नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा ग्लाइसेमिक लोड में और ग्लाइसेमिक इंडेक्स में क्या फर्क होता है। देखिए, जब हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है किसी भी फूड के अंदर इमीडिएटली अवेलेबल शुगर के ऊपर, जो कि 2 घंटे के अंदर शुगर के लेवल को बढ़ा देगी। लेकिन अगर उस फूड के अंदर कुछ इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं जो कि शुगर को लेट बढ़ाएंगे, तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स की श्रेणी में नहीं आता है। इसको समझने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए बिस्किट का एक पैकेट हम लेते हैं, बिस्किट के पैकेट में शुगर भी होता है, आटा भी होता है, मैदा भी होता है और फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होता है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स मान लीजिए इस बिस्किट का 70 के करीब है। लेकिन जब हम इस बिस्किट में से शुगर को हटा करके कोई भी शुगर फ्री कंपाउंड एस्पार्टेम वगैरह डाल देते हैं, तो ये शुगर का इस बिस्किट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो कम हो जाता है, लेकिन क्योंकि बाकी कार्बोहाइड्रेट्स की जो मात्रा है वो इसके अंदर वही रहती है और फैट्स की मात्रा वही रहती है, प्रोटीन्स की मात्रा वही रहती है, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो भले ही इस वक्त जो है 35 के 40 के करीब आ गया हो या 45 के करीब आ गया हो, लेकिन क्योंकि इसमें बाकी कार्बोहाइड्रेट्स भी उतनी मात्रा में प्रेजेंट हैं जैसे कि पहले थे, तो इसका ग्लाइसेमिक लोड कोई कम नहीं होगा। यानी कि अगर हम बिस्किट जो शुगर फ्री हैं वो खाते हैं तो ग्लाइसेमिक लोड हमें उतना ही मिलेगा। हो सकता है कि इमीडिएट जो शुगर राइज होता है वो 2 घंटे के अंदर वो थोड़ा सा कम हो, लेकिन ओवरऑल जो कैलोरिक कंटेंट ऑफ द फूड रिमेंस ही सेम, एंड जो टोटल शुगर इससे बढ़ेगा 2 घंटे के बाद में वो लगभग पहले जितना ही रहेगा। यानी कि शुगर फ्री बिस्किट का और शुगर वाले बिस्किट का दोनों का ग्लाइसेमिक लोड तो सेम रहेगा, लेकिन उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मार्केटली अलग हो जाएगा। जो शुगर फ्री बिस्किट है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा और शुगर वाले बिस्किट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा। अतः केवल ग्लाइसेमिक इंडेक्स को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो शायद ये ठीक नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर हम मानकर बात करते हैं कैंपा कोला की या कोका कोला की या किसी भी कोल्ड ड्रिंक की, तो उसके अंदर जो टोटल कार्बोहाइड्रेट होता है वो शुगर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और अगर हम उसके अंदर से उस शुगर को हटा देते हैं, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक जो ऑर्डिनरी कोल्ड ड्रिंक होती है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 के करीब होता है, अगर उसमें से हम शुगर को हटा देते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम हो जाएगा, और क्योंकि इसमें और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं इसलिए ये कोल्ड ड्रिंक लेने में हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि टोटल कैलोरी भी हमें कम मिलेगी और टोटल शुगर जो है 2 घंटे में या 2 घंटे के बाद भी लगभग उतना ही रहेगा। मैं समझता हूँ कि इन 2 एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के फर्क को समझने में सहायता मिली होगी और आप इससे एक अपने फूड्स को चूज़ करने के लिए अच्छा ध्यान रख पाएंगे। आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में इसकी चर्चा कीजिए। धन्यवाद।